दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज है दिन मंडे का और अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने ब्लॉग डाला था, आपको पता ही हो, दिन के टाइम में डाला था। तो आपको बताया था कि ड्राइवर भाई उस तरफ ना जाए और आज है दिल्ली में रिहर्सल चल रहा है 26 जनवरी की, वजह से जाम बहुत तगड़ा लगा पड़ा है। तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को इन्फॉर्म कर चुका हूँ। तो मैं अभी उस टाइम आ गया था, मैं यूपी साइड वैशाली, तो वैशाली के जस्ट बैक साइड में ही मैं खड़ा था। तो ये हमारे अमन भाई है, ये वहीं पे थे, तो ये इन्होंने पकड़ लिया आज मुझे, कहते हैं महेश भाई आज जाने नहीं देंगे, मतलब यहीं पे आपको रुकना है थोड़ी देर। तो फटाफट ये साहिबाबाद थे तो मेरे से मिलने आ गए थे, तो आज मैं इनसे इंट्रोड्यूस करा देता हूँ आपको। ये अमन भाई है और ये रहते हैं साहिबाबाद में और डेली इनका काम कितना होता है, जो भी होता है मैं आपको, देखिए मैं तो अपनी अर्निंग दिखाता हूँ, कितना एक्सपीरियंस होता है मैं अपना बताता हूँ, पर फिर भी आज आपको जानने को मिलेगा कि अमन भाई के थ्रू कितना काम होता है, कैसे काम होता है, क्या तरीके हैं कमाने के, तो आपको सारी चीजें बताएंगे। अमन भाई थोड़ा सा ड्राइवर भाइयों को जागरूक करो और कैसे काम होता है वो थोड़ा सा बताए। भाई सभी भाइयों को सुबह 7 बजे या 6 बजे अपना नियम से निकलना चाहिए टाइम से और अपना शाम तक काम करो अपना। अच्छा। 12-13-14 घंटे में आराम से आप 2000 रूपए की अर्निंग बचा लोगे सीएनजी वगैरह काट के, 3000+ भी जाता है 12-14 घंटे में, वो आपके डिपेंड करता है टाइमिंग पे जो आप बताते हो। हाँ, जैसा कि मैं आपको बताता ही हूँ कि सारी चीजें आप ही के ऊपर है दोस्तों, आप जितना चाहो उतना कमा सकते हो, बट एक शरीर भी होता है और एक ट्रैफिक का वो भी होता है, बॉडी कितने देर तक आपकी सही चलती है। तो हर चीज एक तरीके से ये लगा लो, जितना ज्यादा उसको वो करोगे उतना ज्यादा आपको अर्निंग मिलेगी। तो इसमें भी ओला उबर में वही है, सारी चीजें डिपेंड करती है लोकेशन पे, टाइमिंग पे और आपको किस साइड की राइड मिली है, लंबी मिली है, सर्ज में मिली है, तो ये सारी की सारी। तो हम अमन भाई से जानना चाहेंगे कैसे मतलब काम करते हैं और मतलब सुबह कितने बजे निकलते हैं और कैसे मतलब ये, क्योंकि इनका घर जो है वहाँ पर साहिबाबाद साइड, कहाँ पर है? सूर्यनगर दिल्ली के बॉर्डर पे है। तो अमन भाई मतलब एक तरीके से आप ये बताओ मंथली आपका कितना हो जाता है, जैसे एक आपकी वीकली कुछ हो गया अगर आप दिखाना चाहो तो। नहीं महेश भाई, मेरा थोड़ा उसमें पर्सनल ड्यूटी भी हो जाती। अच्छा, है पर्सनल ड्यूटी हो जाती है, मैं वो दिखा नहीं सकता ना, फिर अच्छा, वो अच्छा, प्रूफ अच्छा, नहीं हो पाएगा। हाँ। तो मतलब यही है अपना डेली का काट कूट के अपना 2000-2200 रूपए हो जाता है। ये सैटरडे संडे में थोड़ा काम डाउन रहता है, तो उसमें भी मतलब काट बीट के अलावा टोटल एक अमाउंट कितना आता है, मतलब फिगर में 40-45 तक मान के चलो। 40 तो मंथली हो गया, डेली का मतलब डेली का मान के चलो आप, कम से कम मेरा ये है कि 1500 से नीचे मैं करता नहीं हूँ, 1500 अच्छा। से नीचे की मतलब 1500 बचा के लेके जाने हैं सीएनजी वगैरह सब काट के। अच्छा। कमीशन तो एक तरीके की मान के चले अगर आप 2500 डेली का निकालते हो, 2500 से 3000 तक का काम आप डेली करते हो, तो डेली करते हो या छुट्टी वगैरह भी लेते हो? नहीं महेश भाई, ये है कि छुट्टी नहीं करता मैं। अच्छा। सैटरडे संडे में चलो ये है कि थोड़ा काम कम हो जाता है तो मतलब निकलता जरूर हूँ, छुट्टी नहीं करता। छुट्टी मतलब कम से कम अच्छा महीने में एक आध छुट्टी कर ली तो वही बहुत है, क्योंकि घर पर अपना फैमिली है नहीं, मतलब फैमिली में मम्मी पापा हैं। अच्छा, वैसे अच्छा। कोई वाइफ वगैरह नहीं है ना, तो इस वजह से तो कोई रोक टोक नहीं है फैमिली। देख सकते हो, देखो कमाने का जब जुनून हो तो बंदा कुछ भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने अमन भाई है और ये काम के प्रति अपने पूरे वफादार रहते हैं, पूरी मेहनत से काम करते हैं, मतलब एक तरीके से जैसे मैं आपको बताता हूँ बैक टू बैक मैं मारता हूँ ड्यूटियाँ, सिर्फ 10 मिनट का ही लंच होता है मेरा, 10 मिनट के बाद दोबारा स्टार्ट कर देता हूँ, वैसे ही अमन भाई का है। और इनको पता है कि दिल्ली के सारे कोने कोने पता है, कहाँ से बुकिंग निकल के आती है कहाँ से नहीं आती, तो ये टोल टोल ही कितना बता रहे थे अमन भाई, टोल टोल आप कितना निकाल लेते हो? महेश भाई दिन का मतलब लगा लो 800-700, कभी कभार 1000-1200 भी पहुंच जाता है टोल टोल का ही। टोल टोल ही इनका मतलब ऑन एवरेज 700-800 रूपये इनका टोल टोल निकल जाता है, और रीजन वही है कि इनका घर सूर्यनगर में है तो टोल के पास में इनका फटाफट एक तो फायदा ही हो जाता है, यूपी के भी मिल जाते हैं और फिर एमसीडी, और फायदा ये है कि इन्होंने पास ले रखा है एमसीडी का, सबसे बढ़िया फायदा ये होता है इसमें। एमसीडी का पास लेने के बाद क्या है कि आप बेरोक टोक कहीं भी जा सकते हो। तो अमन भाई आपकी कौन सी नंबर गाड़ी है, मतलब यूपी चौदह नंबर गाड़ी है, और कितनी पुरानी गाड़ी है, कितनी चल रही है? महेश भाई मेरे पे डिजायर थी पहले, अच्छा 3 साल मैंने वो चलाई। अच्छा। उसके बाद ये गाड़ी मैंने अभी ली है दिसंबर में पिछले साल। अच्छा, तो मतलब अच्छा। गाड़ी मेरी ये गाड़ी नहीं है, वो चलाई मैंने 3 साल डिजायर अपनी। अच्छा, तो उसको क्या बेच दिया आपने? वो बेच दी। तो क्यों बेचा? बेची मतलब दे रखी है किसी को अपने रिलेटिव में, रिलेशन में, ठेके पे दे रखी है। हाँ अच्छा अच्छा, मौसा जी है मेरे। अच्छा, तो वो कितना देते हैं आपको? 25,000 लेता हूँ, क्योंकि गाड़ी की थोड़ी कंडीशन 2 लाख चल गई है वो।
नहीं 25,000 भी आप अगर ले रहे हो तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि मेरे ख्याल से अभी जो करंटली रेट चल रहा है 15,000 रुपए तक का चल रहा है। ठेके पे गाड़ी जो मिलती है 15,000 से 18,000, जो ड्राइवर की सैलरी है वही समझ लो ठेके पे गाड़ियां मिलती है। तो मैं हमेशा जो नए भाई है जानना चाहते हैं कि ओला उबर में काम कितना है, मैं तो उनको यही सजेशन देता हूं कि भैया काम तो है बट काम करने के लिए बहुत सारी चीजें होनी चाहिए। और सबसे पहले तो आपको खुद, मैं फंसाने वाली बातें तो करता ही नहीं हूँ, आपको पता है हर वीडियो में नए यूजर्स के लिए मैं यही बोलता हूँ कि भैया गाड़ी लेके चला लो, मतलब ठेके पे ले लो, किसी की एक हफ्ते लेके चलाओ, आप कितने कैपेबल हो ये सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि हर बंदे का अलग वो है, किसी में अच्छा खासा काम करने का वो होता है, किसी में नहीं होता, तो काफी सारी चीजें हैं। तो आपको ये काम पसंद आए ना आए, अब आप देखिए वीडियो देख के इंस्पायर तो होते ही हैं, पर इतना भी नहीं होते कि वीडियो देखी और तुरंत गाड़ी लेने से शोरूम में चले गए, नहीं ऐसा कभी मत करना। मेरी वीडियो भी देखते हैं तो मैं हमेशा यही सजेशन देखता हूं, तो औरों की भी देखते हो तो उनकी भी देखने के बाद 10 जगह पूछो, एक्सपीरियंस लो, टैक्सी वाले भाई बहुत मिल जाते हैं, आपको सही गाइड कर देंगे, बाकी आप खुद जब चलाओगे तभी पता चलता है। तो क्योंकि हमें दूर से सबका काम अच्छा लगता है, जब हम खुद आते हैं तो हमें पता चलता है रियल में कितना काम हो रहा है और कैसे होता है काम। तो ऐसे बात नहीं है कि काम नहीं निकल पाता, फॉर एग्जांपल अमन भाई है डेली का 2500 से 3000 तक का काम करते हैं, कट पिट के आपका 2000 रुपए आराम से लेके जाते हैं। तो इनका काम करने का तरीका वही है, सुबह जल्दी निकलते हैं, तो अपना टाइमिंग जितना आप सेट करोगे उतना बेटर है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुबह निकलने वाले काम करते हैं, शाम को निकलने वाले भी करते हैं, दिन में निकलने वाले भी करते हैं, बट मैन क्या होता है कि दो चीज आपकी रुक जाती है, सुबह जो निकलता है उनको दो फायदा हो जाता है, एक तो सुबह का पीक टाइम मिल जाता है, सुबह का सर्ज मिल जाता है, ठीक है, और जब वो शाम के टाइम अपने घर वापसी आते हैं तो शाम के टाइम भी उनको पीक टाइम मिलता है, तो जिसकी वजह से डबल पीक टाइम मिल जाता है। दिन में तो आपको पता है ऑफ टाइम में रेट्स भी कम मिलते हैं ओला उबर में, और इतना खासा कोई रेट मिलता नहीं है, तो जो भी भाई दिन के टाइम में चलाते हैं उनको एक तो दिक्कत ये होती है बुकिंग्स कम मिलती है, किसी भी लोकेशन पे चले जाओ आप, चाहे द्वारका में हो, गुड़गांव में हो, नोएडा में हो, ये वीराने एरिए हैं सारे, ये लगा लो द्वारका भी आप जाओगे, द्वारका में आपको उत्तम नगर जाना पड़ेगा, उत्तम नगर में आपको राइडें मिलेगी, अदरवाइज द्वारका के किसी भी उसमें देखना लाइन से गाड़ियां खड़ी होगी। तो काम करने के तरीके बहुत सारे हैं, और आपको सबसे पहले सारी चीजें जाननी पड़ेगी कि कहाँ पर काम निकलता है कहाँ पर नहीं निकलता, ठीक है। तो दोस्तों आज ये अमन भाई मिल गए थे, तो आज मैंने सोचा इनके साथ ही ये ब्लॉग बनाऊं, और ये एक अलग ब्लॉग होगा मैं आपके लिए डालूंगा, तो आपको ये जानने को मिल गया होगा कि किस तरीके से काम होता है, और काम करने वाला हो तो कहीं से भी काम निकाल सकता है, ठीक है दोस्तों। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स कर जरूर करना, और अमन भाई से पूछ लेता हूँ, कुछ कहना चाहोगे अमन भाई? मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई भी अगर इस लाइन में आना चाहता है तो पहले एक्सपीरियंस करो मार्केट को, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है महेश भाई, हर कस्टमर से निपटना पड़ता है, गलियों से, रोडों से, हर जाम है, ट्रैफिक है, हर चीज। अब इंसान सोच लेता है दूसरे काम को देख के कि मैं इतना कमा लूंगा दूसरे का काम, क्योंकि सबको आसान लगता है, सबको आसान, लेकिन एक बार आप दूसरे की गाड़ी चला के देखो, आप जैसा आप बता रहे हो अभी, तो दूसरे की गाड़ी चला के देखो, उसके बाद अगर आपको ठीक लगता है तो आप भी अपनी लेके और अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। इसमें देखिए नुकसान आपका कुछ नहीं है दोस्तों, आपको एक सीखने को ही मिलेगा कि हाँ आप इस लाइन में आ सकते हो, आप कर सकते हो। तो इस चीज के लिए मैं बचाता हूँ कि आप सीधा लेके गाड़ी डालोगे तो उसमें क्या है कि लाखों रुपए फंस गए, और आपको अगर फिर आपका इंटरेस्ट खत्म हो गया तो आपको पता है शोरूम से गाड़ी निकलती है उसकी वैल्यू 1.5 से 2 लाख सीधा डाउन हो जाती है मार्केट रेट जो होता है। तो उससे बचाने के लिए आपको ये सब चीजें मैं बताता हूँ, आप भी सोचते होंगे यार हमेशा भाई मना ही करता है, तो मना करने का रीजन यही है दोस्तों के काम नए जो बंदे हैं उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो आपकी अमन भाई गाड़ी फ्री हो चुकी है मतलब, या अभी किस्तों पे है? नहीं नहीं अभी मेरी गाड़ी नई ली है मैंने, अच्छा। पुरानी वाली गाड़ी मेरी फाइनल है, ये वाली गाड़ी अभी चल रही है इसकी, मतलब स्टार्टिंग कितने महीने हो गए इस गाड़ी को? साल ही हुआ अभी दिसंबर में, अभी दिसंबर, तो कितने साल की ईएमआई है अभी? 5 साल की करवाई है, 5 साल की, तो 4 साल की ईएमआई है। तो ये जिस हिसाब से काम कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये 1.5 साल 2 साल में अपनी गाड़ी की पूरी निकाल लेंगे, उसके बाद इनके पास आएगी सूखी बचत जो कि इनकी होगी। और नई गाड़ी में एक लेने में यही बेनिफिट होता है कि 2 साल तक आपको कोई दिक्कत नहीं देगी नई गाड़ी, उसके बाद आप प्रॉपर टाइम टू टाइम सर्विस कराओगे। फॉर एग्जांपल मैं अपना ही बताया था, मेरे पास वैगनार है, सिंगल हैंड गाड़ी है,
तो मेरी अभी राइट नाउ जैसे कोई बताता नहीं है, मैं बताया था 392,917 किलोमीटर चल चुकी है, आप देख सकते हैं 392,000। तो 392,000 बहुत होता है सिंगल हैंड में चलना, और सीएनजी गाड़ी तो बहुत जल्दी बैठ भी जाती है, तो हर चीज के तरीके होते हैं चलाने के भी, और टाइम टू टाइम अगर सर्विसेज करवाओगे आप, हर चीज डलवाते रहोगे, तो आपको कभी गाड़ी दिक्कत देगी नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो को कर लेते हैं यहीं पे एंड, और आपको आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, और चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर आप मेरे फेसबुक पेज पे वीडियो देख रहे हैं तो उसको भी फॉलो कर लेना दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे तो उन भाइयों के पास वीडियो चली जाती है जो एक्चुअल में जानना चाहते हैं ओला उबर में काम कितना हो रहा है, कौन सी गाड़ी लेने में फायदा है, डिजायर लेने में फायदा है, और आजकल कौन सी गाड़ी सबसे बढ़िया चल रही है, डिजायर, वैगनआर, और कौन सी गाड़ी लेने में फायदा है, दिल्ली एनसीआर नंबर की ले या ऑल इंडिया परमिट ले, ये सारी की सारी वीडियो मैंने डाली हुई है डिस्क्रिप्शन में, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक वाइज वीडियो लगी हुई है तो आप वहां पर देख सकते हैं, अदरवाइज आप वीडियो सेक्शन में भी जाके देख सकते हैं। तो आपके कुछ भी कमेंट्स हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मैंने नंबर भी शेयर किया हुआ है, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने दे रखा है। तो ठीक है दोस्तों, इस ब्लॉग को कर लेते हैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, और कितनी अर्निंग होगी वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में ही बताऊंगा आज की। चलिए बाय बाय।